पक्ष मत लीजिए जो हम लोग बात कर रहे हैं। आपकी बातों से लग रहा है कि आप वाकई उनका पक्ष ले रहे हैं कि उनके ऊपर इतना भार डाल दिया गया। भार नहीं डाला गया, प्लीज। पहली चीज। दूसरी चीज आपको मालूम होना चाहिए, जहां तक का सवाल उठता है, ये देखिए यहाँ वो भी उदाहरण बता दो, एक मिल मालिक, एक मिल मालिक वो जिसके यूपी में भी मिल है, हरियाणा में भी, हरियाणा में राजीव गांधी 310 दे रहा है किसान को, यहाँ 260 की बात बता रहा हूँ ना। और बिल्कुल बिल्कुल पहली चीज तो ये बात करें, उत्तर प्रदेश में एक मिल मालिक की दो मिले थी, बजाज की पलिया और गोला, आज से 10 साल पहले, आज उनकी 17 हो गई भाई। 10 साल से हर साल कोर्ट में आ रहे हैं कि हमें घाटा हो रहा है, घाटे का सौदा है, तो आपकी 2 की 17 हो रही है। मुझे एक किसान बता दो जिसकी 2 बीघे की 17 बीघे हो गई, 17 बीघे वाले मैं आपको 100 बता दूंगा जिनकी 2 बीघे हो गई है। तो ये घाटे का सौदा नहीं है, ये देश को बनाने का सौदा है। पहली चीज। जहां तक सवाल उठता है हमारे भाई कांग्रेस वाले, उत्तरांचल के अंदर आज यहां हम बोलते हैं कि समाजवादी ने नहीं किया तो उत्तरांचल ने वहां पेमेंट नहीं किया। गुजरात के अंदर आज तीसरी किश्त बकाया है, अक्टूबर में मिलेगी। उनके सिस्टम अलग है, उनके किस्तों के हिसाब से सिस्टम है। राकेश जी मुझे मत बताइए गन्ने के बारे में, आपने उंगली उठाई इसलिए बताने के लिए कि 3 सिस्टम है वहां पर, 3 इंस्टॉलमेंट्स है, मुझे मालूम है पूरे देश के। देखिए मेरी आपत्ति, मेरी आपत्ति देखिए, आपने कह दिया कि प्राइवेट, मैं कुछ निजी मिल मालिकों का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं निजी मिल मालिकों के लिए पक्ष में बात करने नहीं आया हूं, लेकिन जिस तरह से कोऑपरेटिव की फैक्ट्रीज है जो सरकार के नियंत्रण में है, जिन प्रकार से वो घाटे में है, बंद होती जा रही है एक के बाद एक लगातार कोऑपरेटिव सेक्टर की कॉर्पोरेशन दलों के नेता भी चीनी मिले चला रहे हैं। मैं बताऊंगा कोऑपरेटिव फल बढ़ा रही है और निजी क्यों फल फूल रही है, मैं बताऊंगा मित्र। नहीं बताऊंगा, आप पहले मेरी बात सुन लें, अभी वो बताएंगे आपको। और क्योंकि आपने कहा था कि उनके ऊपर ये रेत थोपा जाता है, इसलिए मैंने कहा ये पूरी बात। दूसरी चीज, जहां तक सवाल उठता कांग्रेस का, कांग्रेस ने रंगराजन थोपा पूरे देश के ऊपर, गुजरात को अच्छा लगा, आंध्र को अच्छा लगा, कर्नाटका को अच्छा लगा, तमिलनाडु को अच्छा लगा, हम लोगों को अच्छा लगा क्यों? उनका यह है कि दिल्ली का रेत मिलेगा और 10.31 की रिकवरी तो होगा, हमको तो 150 रुपए क्विंटल मिलेगा, हमको लागू नहीं है, पर मिल मालिकों को लागू था, उनको अच्छा लगा, गन्ने के बदले उन्होंने चीनी के ऊपर लागू करा लिया। क्यों? उस समय अमिता भी आपको याद होगा कहा गया था, अरे 10% लेवी हमने खत्म कर दी, क्यों? बोले किसानों को 3000 करोड़ का फायदा होगा, याद है आपको? जी 3000 करोड़ का फायदा होगा, हमने रिलीफ ऑर्डर खत्म कर दिए, चीनी मिल मालिक अपने साथ से निकालेंगे, करेंगे जो करेंगे, जहां एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अपने साथ से करेंगे। चीनी मिल मालिकों को सूट किया, कंधों पे किसानों की आपने बंदूक लगाई उस समय कांग्रेस ने, और उसका नतीजा आपने देख लिया, किसान ने एक तरफा आपके खिलाफ वोट किया। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल उठता है, आपने एक बड़ी बात कही वकार भाई कि ये लोग पलायन कर जाएंगे यहां से, किसान क्या करेगा? अगर मिल मालिक अगर चले गए भाई, हम तो केला लगा लेंगे उन एरिया के अंदर, टमाटर लगा लेंगे, कुछ और बोलेंगे, धान बोलेंगे, और अगर किसान ने गन्ना छोड़ दिया, क्या ये टमाटर तोड़ रहे हैं? ना ये जा सकते हैं, ना हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये किसान जो है, ये मिल मालिक जो है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार दोनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ब्लैकमेल से कभी दुनिया नहीं चलती, सरकारें कभी नहीं चलती। डंडा पकड़िए, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश लागू कराइए, केवल आपका इतना ही काम है। और मैं इतना कह दूं आपको, वहां पर एक हफ्ता बचा है, केवल 30 तारीख तक कोर्ट ने कहा है, 30 तारीख में हलफनामा जाना है। आप देखेंगे अगले 4 दिन में कैसे कैसे पैसे आते हैं और नहीं आते, तो कोर्ट को अपना आदेश लागू कराना आता है, इतना कहना चाहूंगा केवल। बिल्कुल, यहाँ एक छोटी सा ब्रेक हम ले रहे हैं, देखिए बात फॉर्म रखते हैं। चीनी मिल मालिकों की सरकार ने कर दी मुरादें पूरी, लेकिन क्या अब भी हो पाएगा बदहाल गन्ना किसानों का भुगतान? किसानों के कब आएंगे अच्छे दिन? जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा बनाए। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। बनियान बोले तो जेट इको बनियान। सिर दर्द से फट जाएगा, अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम, अजूबी। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो,
गले मिलो आंख मिलाओ किसी को अपना बनाओ ताया ताई मौसा मौसी सबसे प्यार करो पास पास कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में कब्ज गैस पेट का भारीपन दूर करे टेक्नोफार्म की कैस्ट्रोफीन टैबलेट व चून कब्ज भगाए कैस्ट्रोफीन टैबलेट व चून कैस्ट्रोफीन मिल मालिकों की सरकार ने कर दी मुरादें पूरी लेकिन क्या अब भी हो पाएगा बदहाल गन्ना किसानों का भुगतान किसानों के कब आएंगे अच्छे दिन मेरे पास स्वागत है आप सभी का तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए अमिताभ जी आप ही के पास एक बात मैं कहना चाहूंगा राकेश जी ने एक सवाल उठाया कोऑपरेटिव सेक्टर की चीनी मिलें और सरकारी सेक्टर की चीनी मिलों की दुर्दशा की मैं एक यूनिवर्सल उदाहरण देता हूं असीम मकार जी हिलाल लखवी जी मेरी बात से सहमत होंगे वो ये भीम सिंह जी का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा वो तो चलिए किसानों की तरफ से पैरवी कर रहे हैं तो वो पार्टी है एक सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं और प्राइवेट स्कूल में दाखिले की मारामारी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने बैठा प्राइवेट प्रैक्टिस में लगा हुआ है तो सरकारी का तो सबको पता क्यों है यार सरकारी बस वाला बस वाले को प्राइवेट बस वाला उसी रूट पर 50 रुपए सुबह दे देता है वो किसी स्टैंड पर रोकता नहीं है प्राइवेट वालों को सवारी मिल जाती है ये है ना पूरे देश में सिस्टम इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर की और गवर्नमेंट सेक्टर की मिले तबाह हैं और इसमें मुनाफा कितना चोखा है राकेश भाई उसका उदाहरण मैंने एक बीएम सिंह जी से दिलवाया 2 से 17 हो गई मिल 2 से 17 यह आकाश से बरसा पैसा नहीं ना इन्हीं गन्ना किसानों की मेहनत से आया है पैसा अमिताभ भाई ये कॉपरेटिव में मैं आपको थोड़ा इसमें ऐड कर दूं आपकी बात को माफी चाहता हूं बीच में बोल रहा हूं मैं कॉपरेटिव फेल इसलिए और होती है कॉपरेटिव के साथ साथ प्राइवेट का जो एरिया होता है रिजर्वेशन और जो एरिया होता है आप हर साल का देख लेंगे प्राइवेट वाला सरकारी बाबू को पकड़ के जो कॉपरेटिव का एरिया काट के अपनी तरफ गन्ना ले जाते हैं और कॉपरेटिव को गन्ना नहीं मिलता गन्ना के बिना कॉपरेटिव 1-1.5 महीने में वैसे ही बंद हो जाती है ये केवल मिलीभगत का काम है कॉपरेटिव की अगर बात करें कॉपरेटिव आप देख रहे हैं स्मॉल आप देख लीजिए सबसे ज्यादा पेमेंट हमने किया मैक्सिमम पेमेंट हमने किया है और जब उन्होंने जब 13 रुपए मुनाफा दिया था उन्होंने 13 मुनाफा भी दिया था कॉपरेटिव ऐसी है जहां ढंग का आदमी चलने वाला हो कॉपरेटिव मजबूती चलती है और जहां कोई दबाने वाला हो और उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मैनेजिंग जो चेयरमैन है जो भी है जो अगर दब जाता है तो कॉपरेटिव बर्बाद हो जाती है कॉपरेटिव सरकार के हाथ में है सरकार जैसे चाहे उनको नचा दे नकवी साहब तो क्या सरकार कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रही है अब तक हमने कई समिति देखी बागडोर समिति बनाई महाजन समिति टुटेजा समिति स्वामी नाथन समिति रंगराजन समिति कई समितियां बनी कि जो चीनी का क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं सुधार किया जाएगा गन्ना किसानों को लाभ होगा लेकिन अभी तक जितने भी फैसले आए हैं वो सब कॉर्पोरेट घरानों को चीनी मिलों को फायदा पहुंचाने वाले आते लेकिन किसानों को उनका हक नहीं मिल पाता तराई सत्र हमने देखा है बीएम सिंह जी आप कहीं आपको तो ये तमाम चीजें पता है तराई सत्र जब शुरू होता है जब तक कोई ना कोई किसान फांसी पर नहीं झूल जाता तब तक वो सत्र शुरू नहीं होता फिर उनको वक्त पर मुल्ला नहीं दिया जाता हमने 1998 और 2006 की भी स्थिति देखी है जब चीनी के जो दाम थे वो ऊपर चले थे लेकिन साझा जो मुनाफा था वो किसानों के साथ कभी साझा नहीं किया गया तो क्या हर बार किसानों के नाम पर गुमराह करने की कोशिश की जाती है उनको ठगने की कोशिश की जाती है नकवी साहब देखिए गायत्री जी इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर ये है कि यहाँ पर सिर्फ किसान ही नहीं ठगा जा रहा है यहाँ पर कुछ दिनों में आप और हम भी ठगे जाएंगे
आप इंतजार कीजिए, दो महीने तब गुजरेंगे जब चीनी के दाम जो है वो दुगने और तिगने हो जाएंगे, क्योंकि ये जो आज जिस चीज के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है वो है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज किया गया है, निश्चित रूप से चीनी जो है वो बहुत कमी हो जाएगी। और जो कर्मा डोज है उसके अंदर चीनी तक कर्मा हो जाने की वो है, और किसानों को फायदा नहीं होना है इससे, ये बात भी बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी का इसके अंदर ये इतना बड़ा लालच और इतनी बड़ा उनको इंसेंटिव दे दिया गया है कि इसके बाद भी ये 4400 करोड़ रुपए देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरा इसके अंदर महत्वपूर्ण बात यह कि जो आपने गायत्री जी प्रश्न उठाया, ये हम पार्टी से अलग हट करके बात कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी जो है वो पार्टी से अलग भी हट जाना चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि गन्ना किसानों के साथ जिस प्रकार से जितनी भी ये सरकारें पेश आ रही हैं ये सही नहीं है। और अगर कहीं किसान ने जो है, जैसा कि अभी सिंह साहब ने बताया कि गन्ना लगाना बंद कर दिया, क्योंकि एक दफा गन्ना लगाने के बाद 3 साल तक की खेत जो है वो घिर जाता है, 3 साल तक की वो गन्ने की फसल लेता रहता है उसी एक गन्ने को लगाने के बाद, उसने तो मैं गन्ना तो निश्चित रूप से जान जाइए कि बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी। और जो मिल मालिक जो आज की तारीख में सारा पैसा लेकर के बैठे हुए हैं और किसी तरह से गन्ना किसानों को रूप से सबसे बड़ा खामियाजा हमारे साथ साथ यही लोग भुगतेंगे। जी वकास साहब, देखिए केंद्र सरकार के बारे में एक बात कह दूं कि अच्छे दिन आए हैं, महंगाई साथ लाए हैं। यह अभी देखना शुरू कर दीजिए आप लोग, 2 महीने का टाइम दीजिए, जो चीनी है ये 36 और 40 नहीं बिकेगी, ये बिकेगी 70-80 रुपए किलो, क्योंकि 15 की जगह पे जिस तरह से टैक्स बढ़ाया गया है 40% कर दिया गया है। दूसरी बात, ये धोखा दे रहे हैं, 4400 करोड़ रुपए इन्होंने भी दिए हैं जिसको इंटरेस्ट फ्री कहकर इन्होंने मिलों को दिया है। तो अगर ये सही तरीके से, ईमानदार तरीके से किसानों का लोन अगर किसानों को पैसा देना चाह रहे थे तो तरीका ये बनता था कि किसानों की लिस्ट मिलों से बनाते और जो प्रक्रिया थी वो सरकार खुद किसानों को पैसा देती और अनुबंध करती मिलों से कि पैसा आपको वापस करना है, आपकी तरफ से भारत सरकार इनको पैसा दे रही है। तो तरीका ये होता, पहले तो ये बात सोचने वाली है कि इतना रुपया ये डायरेक्ट मिलों को दिया गया, इसमें किसका फायदा किसका नुकसान, मैं बाकी नहीं कहूंगा कुछ आगे इससे, सब यहां समझदार लोग बैठे हैं। ठीक है, दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है, ये हम लोग पहले भी कहा करते थे और ये आज भी कहते हैं, फर्क इतना था कि पहले लोग हम लोगों पर यकीन नहीं करते थे, आज के लोग सिर्फ हमें लोगों पर यकीन कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग सच बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। सिंह साहब, जो सवाल उठ रहा है कि अब चीनी के दाम भी बढ़ेंगे, हालांकि सरकार की बात की जाए उसके मंत्री मना कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि चीनी के दाम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा है। देखिए, बड़ी सीधी बात है, ये पूरा एक ड्रामा हो रहा है जी, माफ करिएगा मैं इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द, फिर इस्तेमाल करूंगा, ड्रामा हो रहा है। आज ये परिस्थिति क्लियर करना चाहूंगा मैं, जितने पैनलिस्ट हैं उनको भी और देश के लोगों को भी। आज लोगों को ये एहसास हो रहा है कि आपने इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट क्या होता है कि विदेश से बाहर जब लेके आते हैं, जब तंगी हो जाती है, जब अब शॉर्टेज हो जाती है, बाहर से लेके आते हैं तो 15 से आपने 40% कर दिए, जब बाहर से लाएंगे तो महंगी चीनी बाहर से आएगी जी। फिलहाल भी यही ठीक है ना आपका कहना, क्योंकि आप यही ठीक है ना जी, सब सुनिए। अब यह है हकीकत क्या है, हकीकत है देश में, देश कह रहा हूं प्रदेश नहीं, देश में लगभग 220 से लेकर 230 लाख मेट्रिक टन चीनी लगती है एक साल में जी। पिछले साल चीनी कितनी हुई, 241 लाख मेट्रिक टन, उससे पिछले साल कितनी हुई, 247 लाख मेट्रिक टन। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा था, लगभग 80 से लेकर 90 लाख मेट्रिक टन। आज कितना पड़ा है हमारे पास, 330-340 लाख मेट्रिक टन। जब 330-340 लाख मेट्रिक टन पड़ा है और 220 लाख चाहिए है तो इंपोर्ट तो बैन कर देना चाहिए था, 10%, 15%, 20%, 40% आने तक बढ़ाया है गुमराह करने के लिए लोगों को कि रेट बढ़ जाए, फिर सही रेट कम बढ़ाओगे, रेट कम बढ़ाओगे, जब एक्स्ट्रा पड़ा है आपके पास
जब से आपने देखा 15 दिन में 1.5-2 रुपए रेट बढ़ चुके हैं और हर आदमी कह रहा है कि 3-4 रुपए और बढ़ेंगे। ये स्पेकुलेशन बढ़ती जाएगी, रेट बढ़ते जाएंगे। चीनी वही कहीं है, ये केवल अपना उछाल बनाने के काम कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पॉलिसी जो मैंने ड्रामा इसलिए कहा, ये पॉलिसी जो कह रहे हैं 3300 रुपया प्रति टन जो है एक्सपोर्ट के लिए दे रहे हैं, सही है, बाहर रॉ